जामिया हमदर्द के 11th क्लास के फॉर्म निकल गए हैं। जामिया हमदर्द आपको पता है देश की फार्मेसी में नंबर वन इंस्टीट्यूट है। जामिया हमदर्द दिल्ली में है और जामिया हमदर्द में जामिया हमदर्द पब्लिक स्कूल है, यानी हमदर्द पब्लिक स्कूल है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं, ये स्कूल का कैंपस है। ये सिर्फ स्कूल का कैंपस है, यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग है। स्कूल के कैंपस बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना जबरदस्त फैसिलिटीज है हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी में। इसमें हॉस्टल भी मिलता है आपको, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है और बॉयज के लिए भी हॉस्टल है। और इस वीडियो में देखिए कितना शानदार कैंपस है, कितना अच्छा पब्लिक यूनिवर्सिटी है और पब्लिक स्कूल भी है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके पूछ रहे थे कि जामिया हमदर्द का कब फॉर्म निकलेगा, किसके लिए, क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 का फॉर्म निकल गया है और मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं। दोस्तों अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके फायदे के लिए वीडियो बनाता हूं, आपके हित के लिए वीडियो बनाता हूं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्या कीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए बॉयज का हॉस्टल्स है, हॉस्टल, ये हॉस्टल है, इसमें बॉयज का गर्ल्स का दोनों का भी हॉस्टल है। ये शेड्यूल आ गया है, इस शेड्यूल में देखिए एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, इंटरनल के लिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो जानते हैं कैसे एडमिशन होता है, लेकिन जो लोग अभी स्कूल में नहीं एडमिशन लिए हैं, फ्रेश लेना चाहते हैं 10वीं के बाद, क्योंकि बोर्ड के बहुत सारे रिजल्ट्स आना बाकी है और बहुत सारे के आ चुके हैं, जैसे कि असम का आ गया है, बिहार का आ गया है और आने वाले टाइम पे यूपी का आने वाला है इसी महीने में, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड्स के आएंगे। और देश के जैसे हरियाणा है, उसके बाद एमपी का है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के है, पंजाब का है, राजस्थान के है, बहुत सारे बोर्ड्स के अभी आना बाकी है, उसके बाद इसमें एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 10 से लेकर 20 तक। फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड करके भरना है, भर के सबमिट करना। सबमिशन का टाइम जो है 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपको कैसे करना है, कहां पे करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कंप्लीट डिटेल्स है वीडियो का, थोड़ा सा देखिए, बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन काम का वीडियो होगा। दोस्तों अगर आप 10वीं का एग्जाम दे दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो 9वीं का भी आप लगा के भेज सकते हैं, या प्री बोर्ड जो 10वीं का हुआ है उसका भी मार्कशीट आप अटैच कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो, या आप क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं। आपका जो एडमिशन होगा सिर्फ प्रोविजनल होगा, जब तक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा नहीं करेंगे तब तक परमानेंट नहीं माना जाएगा, वो आप भी जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको जब एडमिशन होगा तो उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। आप देख सकते हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10th ओरिजिनल मार्कशीट, कंडक्ट ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड इंस्टीट्यूशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेपरेट मेडिकल फिटनेस, डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। लॉकडाउन की वजह से आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट के बाद में आपको वरी नहीं होना, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, क्योंकि आपको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा। इसमें साफ साफ ये नोट में लिखा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन है नहीं। लास्ट डेट पेमेंट करने का होगा 29 जून तक 12 बजे दिन में। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन होगी या रेगुलर होगी, 1 जुलाई से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। कमाल की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सिर्फ 350 रुपया है, और फॉर्म मैं एक बताता हूं कौन सा फॉर्म भरना है, इसी पीडीएफ में आगे फॉर्म भी है, फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म फिल करके आप जमा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी मैं आगे बताता हूं, अगर आप दिल्ली में नहीं है और दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आपको क्या करना होगा, HPS हमदर्द पब्लिक स्कूल दिल्ली @rediffmail.com पे भेज दीजिएगा। जब आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फी जब आप एडमिशन लेंगे उसी वक्त आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आप ईमेल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और हॉस्टल फैसिलिटी आपको लेना चाहते हैं तो भी आप ईमेल में मेंशन कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म भरना होगा वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, फॉर्म पहले आपको दिखा देता हूं फिर एलिजिबिलिटी बताता हूं। दोस्तों फॉर्म ये है, सिंपल एक फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 350 रुपया है। अगर आप ऑनलाइन भर के ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो ईमेल पे भेज सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन फी होगा वो आप उसी वक्त जमा कर देंगे जब आप एडमिशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है क्लास 11 के लिए 2020-21 के लिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, एज लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, SC ST OBC अगर सर्टिफिकेट है तो उसको अटैच करना है, फिजिकली हैंडीकेप है तो उसका भी सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसमें लिखना है कि कौन से कैटेगरी में, अगर ओबीसी है तो ओबीसी लिखना है, फिजिकल हैंडीकेप है तो वो भी लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन फोन, मदर्स नेम ऑक्यूपेशन, पिताजी का नाम और पिताजी का क्या करते हैं, मदर का नाम, मदर क्या करती है, लास्ट स्कूल कौन सा था उसका एड्रेस के साथ मेंशन करना है कि कौन से बोर्ड से, सीबीएसई या ICSE या स्टेट बोर्ड है जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, जो भी है। परसेंटेज आपको एवरेज लिखना है, नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हैं। मार्क्स का डिटेल लिखना है, अगर डिटेल आपके पास है तो प्री बोर्ड का आप लोग लिख सकते हैं। चॉइस लिखना है, अगर मेडिकल स्ट्रीम में आप चाहते हैं तो मेडिकल में, नॉन मेडिकल यानी मैथ से चाहते हैं तो यहाँ पे, कॉमर्स मैथ के साथ चाहते हैं तो ठीक है यहाँ पे टिक कीजिएगा, कॉमर्स विदाउट मैथ का चाहते हैं तो यहाँ पे टिक है, ह्यूमैनिटीज यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए कि नहीं आपको लिखना है, लोकल गार्जियन का नाम और एड्रेस डिक्लेरेशन करके यहाँ पे आपको नेम एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और आपके गार्जियन का सिग्नेचर फिर आपको भेज देना है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जो है
वो है साइंस के लिए 80% मार्क्स चाहिए, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीबी हो, 80% अगर मार्क्स है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, राइट। यही सबसे मेन चीज है कि हमदर्द पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और पढ़ाई होने के साथ साथ ये मार्क्स भी ज्यादा मांगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से या जो स्टेट बोर्ड में भी टॉपर है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देश का नंबर वन कॉलेज से पढ़ेंगे, स्कूल से पढ़ेंगे तो उनका करियर भी नंबर वन हो जाएगा। तो जो साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 80% चाहिए, बाकी आगे कम अगर परसेंटेज है तो आप 65% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज में, यानी आर्ट्स में, 11 आर्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 65 से ऊपर परसेंट है तब। कॉमर्स चाहिए तो 75% आपका मार्क्स होना चाहिए, मैथ चाहिए तो मैथ में भी होना चाहिए, तो कॉमर्स चाहिए तो 75%, आर्ट्स चाहिए तो 65%, मैथ चाहिए या बायो चाहिए तो आपको 80% साइंस वाले। ये है एलिजिबिलिटी। आपको मेल इंपॉर्टेंट है कि अगर हर कोई तो दिल्ली में आ नहीं सकता, और दिल्ली में भी ट्रेवल बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप ज्यादा है, तो HPS, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, यहां देख लीजिए आपको ये जो ईमेल आईडी है hpshamdardpublicschool@delhi.redifmail.com, HPS, H for हरियाणा, P for public, S से स्कूल, हमदर्द पब्लिक स्कूल, hpshamdardpublicschool@delhi.redifmail.com पे आप भेज दीजिएगा और आपका एडमिशन जो है वो बरकरार हो जाएगा अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो। तो लास्ट डेट है, आप ध्यान रखिएगा, 20 जून है इसी महीने में, और कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, आप फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन है, जो नहीं आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो जाके गेट पे जमा करना है, आपको 350 रुपया देनी है। आपको कहां जमा करना है देख लीजिए, Gate No. 3, स्कूल के जो Gate No. 3 है वहां पे ले जाके आपको 350 रुपया फीस के साथ, जो कि रजिस्ट्रेशन फीस है, आप फॉर्म जमा कर दीजिएगा फॉर्म भर के। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो अच्छी फैसिलिटीज है हमदर्द पब्लिक स्कूल में उसका फायदा उठाइएगा और आप अपने एक करियर को, अच्छे करियर को अच्छे लेवल पे पहुंचाइएगा। इसी जोश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई अगर क्वेश्चन है तो भी सजेशन बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया हमदर्द।